नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू व्हाट व्हाई एंड इफ के क्या क्यों और यदि। मैं कमलेश खोलिया आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक करवा के वेरीफाई करवा सकते हो, और वो भी बिल्कुल घर बैठे। देखिए दोस्तों, आपके पास काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे होंगे घर बैठे कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए, वेरीफाई करवा लीजिए, वरना फरवरी 2018 के बाद आपका सिम कार्ड जो है बंद कर दिया जाएगा। पर उसका हमें पता नहीं था कि घर बैठे हम ये कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक करवा सकते हो। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए कि आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, और दूसरा जो है हमें एक नंबर डायल करना होगा। एक IVR मेथड के थ्रू जो है हम एक नंबर डायल करेंगे, और वो नंबर डायल करने के बाद में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो हमारा जो है आधार कार्ड हमारे सिम से लिंक कर दिया जाएगा और हमारा आधार कार्ड हमारे सिम के साथ में मोबाइल नंबर के साथ में जुड़ जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना डायलर पैड खोलिए और वहाँ पर आपको डायल करना है 14546। ये आपको डायल करना है 145446, ये आपको डायल करना है। चलिए मैं इसे डायल करता हूँ। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, बट आप लाउड स्पीकर पे सारी आवाज़ सुन सकते हो। हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं, राजस्थानी में जानकारी के यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो एक दबाएं, अन्यथा दो। मोबाइल नंबर रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कृपया अपना आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ रखें। OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाएगा। मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित करने के लिए सहमति देता या देती हूँ, और इसे आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत UIDAI के माध्यम से जनसंख्या के प्रमाणीकरण के लिए मेरी सहमति माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया अपने 12 अंक का आधार कार्ड नंबर एंटर करें। मैं ये पुष्टि करता हूँ कि मैं इस मोबाइल नंबर का मौजूदा उपभोक्ता हूँ। इस मोबाइल नंबर का सिम कार्ड मेरे पास है। आधार OTP को शेयर करके मैं अपने मोबाइल नंबर को प्रमाणित कराने के लिए UIDAI से अपना नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग, फोटो के लिए अपनी सहमति देता या देती हूँ। एंटर किए गए OTP को मेरा सही यानी सिग्नेचर माना जाए। अपनी अनुमति देने के लिए एक दबाएं। कृपया OTP नंबर एंटर करें जो आपको आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। प्रिय ग्राहक, आप पहले से ही अपना मोबाइल नंबर रीवेरीफाई करा चुके हैं। आइडिया में कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे OTP डाली, आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी अपना आधार कार्ड लिंक करवा रखा है। इस वजह से मुझे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपने जो है ऑलरेडी अपना आधार कार्ड जो है लिंक करवा रखा है। बट अगर आपने ये ऑलरेडी लिंक नहीं करवा रखा है तो आप सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए, OTP वगैरह डालिए, और लास्ट में आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आपका जो है आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, और 24 घंटे के पास में आपके पास वेरीफिकेशन मैसेज भी आ जाएगा। तो बस आप लोगों को अब पता चल चुका है कि घर बैठे आपको अपने आधार कार्ड से अपने मोबाइल नंबर को कैसे लिंक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।